हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुणाल। ओके, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई? तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी बूस्ट का नेक्स्ट पार्ट, यानी सेवेंथ पार्ट। पार्ट सिक्स में हम लोग बहुत लंबा समय हो गया है, तो पार्ट सिक्स तक हम लोग देख चुके थे प्रोटिस्टा को, है कि नहीं? प्रोटिस्टा मतलब हम लोग ने दो पार्ट देखा था। प्रोटिस्टा में मैंने आप लोग बताया था कि प्रोटिस्टा कितने तरह के होते हैं, और उसमें हम लोग ने देखा था क्राइसोफाइट्स को और डायनोफ्राइजुलेट्स को। डायनोफ्राइजुलेट्स और क्राइसोफाइट्स हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इस पार्ट में जिस तरह से मैंने बताया कि हमारा दो चीज कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या जानना है? अब एनसेट के मुताबिक हमें जानना है यूग्लेनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स। तो आ जाएगा यूग्लेनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स, क्योंकि प्रोटोजोआ थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं उसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आपका दो पार्ट। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहला था यूग्लेनॉइड्स, है ना? यूग्लेनॉइड्स। तो यूग्लेनॉइड्स में हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला जो मेन पॉइंट है, इन्हें हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, जो प्लांट और एनिमल होता है उन दोनों के बीच का। ओके, उन दोनों के बीच का हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानते हैं इसे, और इसका सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है यूग्लेना। फेमस एग्जांपल क्या है इसका? यूग्लेना है इसका फेमस एग्जांपल। और इसे ही हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। एक्चुअली प्लांट एंड एनिमल का कनेक्टिंग लिंक बोलना थोड़ा सा अजीब होगा। क्यों अजीब होगा इसे कहना? क्योंकि जो हिस्ट्री है, जो कि इतिहास, जो कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, यानी कि वो ये दिखाता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये दिखाता है हमें कि मोनेरा के बाद जो डिवीजन हुआ है क्लासेस का, मोनेरा के बाद जो बने हैं वो बने हैं प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से तीन पार्ट में डिवाइड हो गए हैं प्लांट एंड एनिमल। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या और यहाँ पे एक फंजाई बना है। ठीक है, तो ये अगर मोनेरा है और ये प्रोटिस्टा है, तो ये प्लांट बनेगा, ये एनिमल बना है, और ये बना है फंजाई। ठीक है, तो अगर ये प्लांट है और ये एनिमल है, तो ये लोग एक ही ब्रांच से नहीं आए हैं, ये लोग अलग अलग ब्रांच हैं। इन द सेंस कि प्रोटिस्टा से तो आए हैं क्योंकि रूट इनका एक ही है, लेकिन ब्रांच इन द सेंस हुआ कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये दो बाइफर्केट हो जाए। नहीं, ये रूट इनका सेम है, लेकिन आए हैं दो अलग अलग जगह से। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि कनेक्टिंग लिंक बोलना ये बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। रीजन सिंपल सा ये है, कनेक्टिंग लिंक वैसे लिंक को चीजों को कहा जाता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि दोनों के फीचर्स को रखते हैं। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूग्लेना को हम लोग ऐसे प्रोटिस्टा में मानते हो जहां से ये दोनों बायफर्केट किया हो, और इसे हम लोग ने इसे कनेक्टिंग लिंक के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मैं ऐसा इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको ये, लेकिन ऐसा बात है नहीं, ये कंफ्यूजन वाला इसमें कोई बात ही नहीं। रीजन सिंपल सा ये है कि दो चीजें होती हैं हमारे लिए, हमारे सामने, और वो दो चीजें क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि या तो किसी का रूट सेम होता है, यानी जहां से वो आ रहे हैं तो वो लोग एक ही ब्रांच से, एक ही रूट से आते हैं। ठीक है, लेकिन वो आगे चल के बाइफर्केट कर जाते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, बाइफर्केट कर जाते हैं दो पार्ट में, तो उनके सामने एक कॉमन एंसेस्टर होता है। ठीक है, लेकिन कोई किंगडम नहीं होता। किसी किंगडम को हम लोग कनेक्टिंग लिंक नहीं कह सकते हैं, किसी डिवीजन को हम लोग कनेक्टिंग लिंक नहीं कह सकते हैं, हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को कनेक्टिंग लिंक जरूर कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को कनेक्टिंग लिंक जरूर कह सकते हैं, लेकिन किसी किंगडम या किसी फाइलम, किसी डिवीजन को हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जरूरी नहीं कि उस चीज से मेल खाएं जो हम लोग कनेक्टिंग लिंक कह रहे हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा कि यूग्लेनॉइड्स आर कनेक्टिंग लिंक, बट ये बिल्कुल गलत है। यूग्लेनॉइड्स आर नॉट कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये बस आपके कंफ्यूजन को, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इतना समझाया। यूग्लेना इज ए कनेक्टिंग लिंक। अगर यहाँ पे यूग्लेना है तो ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन अगर यूग्लेनॉइड्स एज अ होल ग्रुप हम लोग देखें तो इट इज नॉट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। अब क्यों कहते हैं इसे कनेक्टिंग लिंक विद प्लांट एंड एनिमल यूग्लेना को, और यही यूग्लेनॉइड्स का कुछ मेजर फीचर जो एनसीटी ने दिया है। पहले हम एनसीटी समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यूग्लेना के अंदर क्या होता है? यूग्लेना कुछ यूं दिखता है। ठीक है, यूग्लेना कुछ यूं दिखता है, और इसके अंदर एक फ्लैजेला होता है, दो फ्लैजेला होते हैं एक्चुअली। ठीक है, एक फ्लैजेला लंबा होता है और एक फ्लैजेला छोटा होता है, जो कि इसके बॉडी के अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं आता, और इसीलिए इसका जो फ्लैजेला होता है वो होता है हेटरोकॉन्ड। इस तरह के फ्लैजेला को कहते हैं हम लोग हेटरोकॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मैंने पिछले बार में बताया था जबकि डायनोफ्राइजल्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो हेटरोकॉन मतलब क्या होता है? टू फ्लैजेलास बट ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी कि टू डिफरेंट लेंथ फ्लैजेला। ठीक है, ऐसा होता है, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो होता है ना, उसमें हमारे पास क्लोरो
प्लास्ट या फिर कह सकते हैं आप लोग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये इसका न्यूक्लियस हो गया कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास ये भी पाए जाते हैं, यानी कि जो कि क्लोरोफिल यानी जो फोटोसिंथेसिस कर सके। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है कि अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक तो दिखाएंगे जब लाइट रहेगी तो, ठीक है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये दिखाएंगे क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल है, लेकिन ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं जब इनके पास लाइट नहीं रहती है। तो फिर ये क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को सीधे सीधे इनटेक कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक भी ये दिखाते हैं और इसीलिए इन्हें हम लोग कहते हैं ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ये शो करते हैं। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ये शो करते हैं और यही रीजन है कि इन्हें हमें कनेक्टिंग लिंक कहना पड़ता है प्लांट और एनिमल के बीच का। दूसरी बात, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ये सेल वॉल नहीं रखते हैं, ये सेल वॉल नहीं रखते हैं, इस सेल वॉल की जगह इनके पास पेलिकल होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि पेलिकल जिसे कहते हैं, और ये एक्चुअली होता है फ्लेक्सिबल, ये होता है क्या, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, और ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है और यही इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि इन्हें न्यूट्रिशन यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो प्रेजेंट होते हैं ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर आपको ये मिल जाएंगे स्टैग्नेंट वाटर में। ठीक है, फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर में आपको मिलनी मिलते हैं और ये उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, यानी फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर में ही ये मेनली प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, इनके पास जो फ्लैजेला होता है वो हेटरोकॉन्ट होता है, मैंने ऐसा आपको बताया। ठीक है, इनके पास जो फ्लैजेला है वो हेटरोकॉन्ट है, मैंने आपको ये बता चुका हूं अभी। ठीक है, और ये जो फ्लैजेला होता है इसका एक स्पेशल फीचर है, एक तो बॉडी से बाहर आता है, एक बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इनके पास जो फ्लैजेला होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, जो दो लॉन्ग फ्लैजेला है, जो इनका लॉन्ग फ्लैजेला होता है जो बॉडी के बाहर से निकलता है, ठीक है, इस फ्लैजेला के ऊपर हेयर लाइक पोजिशन पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग मैस्टिगो नीम्स कहते हैं और ऐसे फ्लैजेला को हम लोग स्टिको नेमेटिक फ्लैजेला कहते हैं। तो इसके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल जो आउट ग्रोथ है हेयर के जैसे, इसमें जो स्मॉल स्मॉल आउट ग्रोथ है हेयर के जैसे, इन्हें हम लोग कहेंगे मैस्टिगो नीम्स। और इस तरह के फ्लैजेला को हम लोग कहते हैं स्टिको नेमेटिक, स्टिको नेमेटिक फ्लैजेला। ठीक है, ये होता है इस तरह का। और ये क्यों होता है, ताकि किसी चीज से पकड़ बहुत आसानी से बना पाए, अच्छे से बना पाए और उस पकड़ को ये मेंटेन रख पाए। ठीक है, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं और इसीलिए इन्हें हम लोग फैकल्टेटिव हेटरोट्रॉफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, फैकल्टेटिव हेटरोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इतना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग आगे इसमें देखें कि यूग्लेना के, तो एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, यूग्लेना के पास दो तरह के और ऑर्गेनल्स होते हैं जिसे हम लोग देखते हैं, आई स्पॉट और फोटो रिसेप्टर। ठीक है, दो तरह के सेंस ऑर्गेनल होते हैं, एक होता है हमारे पास आई स्पॉट और दूसरा होता है हमारा फोटो रिसेप्टर। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के बाहर है, हम लोग ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया तो हम लोग उसका आगे देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं आई के शुरुआत है, यानी कि आई जब बन रहा होता है एवोल्यूशन हिस्ट्री में, आई स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, आई स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर इन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में आई का शुरुआत यहां से हो रहा है। दूसरी बात आते हैं, यूग्लेना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। एक बात है आपको वीडियो के पीछे बता देता हूँ, वो ये अनअकैडमी पे मेरा दो कोर्स जो था, यानी कि जो पूरी तरह से जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जेनेटिक्स है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, यानी अनअकैडमी पे आपका जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जेनेटिक्स है वो खत्म हो चुका है, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जेनेटिक्स वो खत्म हो चुका है और ये दो कोर्स में आया है। ठीक है, ये दो कोर्सेस में आया है और ये दो कोर्सेस जो कंसिस्ट करते हैं, ये पहला कोर्स और दूसरा कोर्स जो कंसिस्ट करता है, इसमें डीएनए के बारे में सारा चीज बताया जा चुका है, फिर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया गया है और फिर उसका फिर हम लोग इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को भी देखे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को भी हम लोग ने इसमें देखा है, एचजीपी को भी देखा है। इसमें हम लोग ने रेप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन
एंड ट्रांसलेशन को देखा है, ठीक है। हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को देखा है और साथ साथ हम लोगों ने इसमें लैक ओपेरॉन को भी देखा है। और ये मैं बताता था आप लोग को, उसके बाद से दूसरी बात बताना क्या चाहता हूँ मैं कि इसके बाद जो कोर्सेज आएंगे अनअकैडमी पे वो आएंगे कुछ न्यू, कि मैं काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, और उन्हें मैं कुछ न्यू सॉल्व करवाऊंगा। मेरे पास नोट्स होगा, ठीक है, इन नोट्स में जैसे कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, काफी सारे, ये मैं कई सारे ऑब्जेक्टिव बुक, मैं कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें पहला है हमारे पास जीआरबी, दूसरा है हमारे पास यूनिवर्सल, आपके पास इतना टाइम नहीं है जो आप सबको सॉल्व कर पाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, यूनिवर्सल। तीसरा हमारे पास इसमें जो है वहां पे एलन का मॉड्यूल है, ठीक है। चौथा है हमारे पास इसमें एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जेम्प्लार एंड एनसीईआरटी, ठीक है, एग्जेम्प्लार भी है हमारे पास, ओके। एंड पांचवा है हमारे पास कौन सा, दस सोचिए कौन सा होना चाहिए हमारे पास। और इसके अलावा एक किताब है मेरे पास जो कि है ट्रूमैन ये बहुत जरूरी है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कुछ अच्छे दिए हुए हैं तो मैंने इसे भी इस्तेमाल किया। तो इन पांचों किताब का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इन पांचों किताब में जैसे मैंने, मेरे पास एक चैप्टर है, ऐसे मेरे पास एक है मोनेरा चैप्टर है, ठीक है, मोनेरा मेरे पास है, मोनेरा के सारे जितने भी इन किताबों में क्वेश्चन दिए हुए मैं सबको देखूंगा। इन सबको देखने के बाद मान लेते हैं मेरे पास 800 क्वेश्चन इन सब किताबों में दिए हुए हैं, तो मैं इन 800 क्वेश्चन में अगर मेरे पास 800 के 800 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो ठीक, नहीं तो मे बी 700 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, किसी में 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा, मोनेरा के अलावा कोई और टॉपिक होगा, तो मैं उन 300 क्वेश्चन को पॉइंटर वाइज दूंगा, ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज, पॉइंटेड वाइज दूंगा। और इन पॉइंट्स को मैं, हर पॉइंट को मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब देखें तो बना पाए। एंड दिस इज माय आइडिया, अगर आप लोग अच्छा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो जो होंगे वो केवल अनअकैडमी पे आएंगे, यूट्यूब पर नहीं आएंगे। हाँ, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि कहाँ कहाँ यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुका है, अनअकैडमी पे कितने वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, और उसका फिर हम लोग अनअकैडमी फिर आगे बढ़ेंगे। और यूट्यूब पे इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि यूट्यूब पे बायोलॉजी बूस्ट पहले से चल रहा है, जिसमें हम लोग सारे के सारे पास्ट क्वेश्चन और यूट्यूब में हम लोग जो वीडियो समझ रहे हैं अभी, जैसे मैं प्रोटिस्टा समझा रहा हूँ, तो ये चलता रहेगा। और बायोलॉजी बूस्ट अनअकैडमी पे नहीं आ सकता, इसीलिए वहां पे मैंने कुछ नया आइडिया लगाया जो कि ये मेरे पास आया, और ये बेस्ट है क्योंकि आप लोग इतना आप सॉल्व नहीं पड़ेंगे, अगर सॉल्व कर भी लेते हैं तो एज ए रिव्यूजर आप लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा। और ये बिल्कुल बिल्कुल अनअकैडमी पे आने वाला है, और इसका पहला वीडियो जल्दी आने वाला है, प्लीज उस पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए, और मुझे जो दो कोर्स है उसे भी आप देख सकते हैं, अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं इतना बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम हाँ, मैं कहा था तो यूग्लेना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। यूग्लेना को हम लोग कंसिडर करते हैं कनेक्टिंग लिग्निन प्लांट है एनिमल, ना कि यूग्लेनॉइड्स, बस यूग्लेना, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ये होता है हमारे पास पैरा माइलम, ठीक है, पैराजाइलम भी बहुत लोग कहते हैं इसे, लेकिन पैरामाइलॉन भी कहते हैं इसे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैरामाइलॉन ही लिखता हूँ, पैरामाइलॉन या फिर माइलम भी कहते हैं इसे बहुत लोग, ठीक है, इसे होता है। इसे बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में होता है, इन अनफेवरेबल कंडीशन ये सिस्ट वॉल बना लेता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का होता है। इन द सेंस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बाइनरी फ्यूजन जो होता है ना, ये भी एक्चुअली तीन तरह से होता है, एक रैंडमली कहीं से भी हो जाता है जो कि आप लोगों को अमीबा में देखने को मिलेगा, अगर अमीबा है तो ये रैंडमली कहीं से भी कैसे भी कट जाए ये बराबर हिस्सों में ही कटेगा, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनली होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली होता है, ओके। और एक होता है ट्रांसवर्स, तो रैंडम के लिए जो एग्जांपल है, अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, अगर ये बॉडी है, ठीक है, ऐसे ये डस्टर है हमारे पास, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका, ठीक है, ये है, इस ढंग से मैं जैसा पेन रखा हूं, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जरा देखिए, हमें इस डस्टर को ऐसे बांटना है कि जो दोनों रूप बने उसमें हर एक ऑर्गन आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे अगर इसका एनस है, तो ये तीनों का तीनों पार्ट जो है दोनों में चला जाए, दोनों पार्ट में चला जाए। अगर हम इसे ऐसे बांटेंगे तो एक में आई आएगा, एक में एनस आएगा, एक में आई नहीं आएगा, एक में एनस नहीं आएगा। तो ऐसे क्या होगा कि अगर हम लोग इस तरह से बांटे इसे, तो दोनों में आई का आधा आधा आएगा, स्टमक का आधा आधा और एनएस का आधा आधा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इधर से आ सकता है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे बांटे तो नहीं हो पाएगा। तो किसी भी बॉडी में अगर
कोई बॉडी लॉन्गिट्यूडनल है इन सेक्शन तो वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में जाता है, लेकिन अगर किसी बॉडी में ऐसा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जो कि दोनों तरफ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन में जाता है। ठीक है, तो उसी ढंग से अगर हम लोग यहाँ गौर से देखें तो रैंडम सेक्शन रैंडमली का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है अमीबा। ये एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी मैंने ये ट्रूमैन में दिया हुआ है, आप लोग ट्रूमैन में जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली अमीबा हो गया। लॉन्गिट्यूडनली का जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लेना। अब ये क्यों है, क्योंकि यूग्लेना का जो शेप है वो कुछ यूं है लंबा सा और इसका जो फ्लैजेला है वो कुछ मैं ऊपर बना ऐसा होता है और इसे अगर हम लोग बीच से बाइफर्केट करें लॉन्गिट्यूडनली तभी इसका फ्लैजेला भी आधा आधा बट जाएगा और पूरा बॉडी भी आधा आधा बट जाएगा और इस तरह से यूग्लेना अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें नीचे में आता है तो हमारे पास नीचे आता है जैसे पैरामीशियम। इसमें क्या आता है हमारे पास पैरामीशियम। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पैरामीशियम का जो शेप है वो थोड़ा सा वो हमारे पास स्पिंडल कह सकते हैं आप लोग इसे, स्लीपर ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं और ये कुछ यूं होता है हमारा पास ऑर्गेनिज्म का शेप। ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है और अगर हम लोग इसे ऐसे बाइफर्केट करें तभी गलेट जो है यानी कि इसका मुंह है वो दोनों पार्ट में आएगा। अगर हम लोग इसे ऐसे डिवाइड कर दें तो क्या होगा ना कि एक तरफ गलेट आएगा एक तरफ नहीं आएगा, इसीलिए पैरामीशियम ने क्या होता है लॉन्गिट्यूडनली ना डिवाइड करके ट्रांसवर्सली डिवाइड करने से क्या होगा दोनों में आधा आधा गलेट आता है और ताकि जो उनके बच्चे यानी जो उनका जो फिजन होने के बाद जो सेल बने हैं उनके पास दोनों के पास गलेट आएगा तो आसानी से ये अपना काम कर पाएंगे। सो इस तरह से तीनों एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि बाइनरी फ्यूजन जो होता है यूग्लेना में वो कैसा होता है, तो वो होता है कैसा लॉन्गिट्यूडनल और ये बाइनरी फ्यूजन। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर मेनली किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब फेवरेबल कंडीशन हो, जब फेवरेबल कंडीशन हो। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में हमेशा और हमेशा क्या होता है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म प्रेफर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इसीलिए प्रेफर करता है, रीजन सिंपल सा उसका ये है कि उस कंडीशन में उसके पास जेनेटिक वेरिएशन का चांस मिलता है और ये जेनेटिक वेरिएशन कई बार ऐसे होते हैं जो कि उस अनफेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल उसके लिए बना रहे हैं। इन द सेंस कि मान लें ऐसा जेनेटिक वेरिएशन आ जाए जो इस अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करने में हेल्प कर दे तो वैसा ही अच्छा होता है ना, और अगर इस ढंग का जेनेटिक वेरिएशन आता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम कर सकता है तो वो तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता नहीं है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ओके, सो दिस इज द थिंग। और वहां पे सेफ्टी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां पे आराम से कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है और ये भी हमें पता चलता है इस चीज से। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स। अब यहां पे क्या है कि स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, वो होता है मिक्सोमाइसिटिस। ठीक है, मिक्सोमाइसिटिस। अब ये नाम जो है ना कई बार बच्चों को लगता है कि यार माइसिटिस ये तो कहीं फंजाई से रिलेटेड लग रहा है ना, एक्चुअली ये फंगाई से रिलेटेड है। ऐसा मैंने पहले वीडियो में बताया है आप लोग, इसके सिक्स्थ पार्ट में मैंने बताया है कि प्रोटिस्टा एक ऐसा डस्टबिन है जहां पे हर किसी का ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म हमें प्लांट के मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल दोनों के लिंकिंग वाले मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फंजाई का भी मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एनिमल वाले मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलते हैं और ये स्लाइम मोल्ड्स एक तरह का यूनिसेलुलर फंजाई ही है। बस ईस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेलुलर होने के बावजूद हमें फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो होते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता, ये कैसे होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं और इनका एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि ऐसा हम 30 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोटिस्टा कंप्लीट करने के बाद, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं कि जो कि डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर। ठीक है, डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लोग। ठीक है, डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और इसीलिए इन्हें सेप्रोफाइटिक कहते हैं हम लोग। इसी न्यूट्रिशन को, डिकम्पोज करने वाले न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होता, दे आर विथआउट सेल वॉल। बट हाँ, याद रखिएगा सेल वॉल इनके बॉडी पर नहीं होता, लेकिन जब ये लोग सिस्ट बनाते हैं या फिर अपना स्पोर बनाते हैं तो स्पोर के पास इनका ट्रू वॉल प्रेजेंट होता है। और यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में यही पॉइंट दिया हुआ है कि दे आर, उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि दे डू नॉट हैव सेल वॉल, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि देयर स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल्स। और ये बात
फनी है कि उन्होंने आधी बात लिखी है, आधी बात इसलिए छोड़ दिया बच्चे खुद समझ ले। और जब क्वेश्चन आता है कि यार स्लाइम वॉल सेल वॉल होता है, तो बच्चे पढ़ते हैं हाँ यार स्पोर में तो पढ़ता है, उसमें स्पोर में ट्रू सेल वॉल, उन्हें खाली ट्रू सेल वॉल याद आता है, स्पोर याद रहता है नहीं, और टिक मारते हैं यस यस दे हैव सेल वॉल, बट दे एक्चुअली डोंट हैव सेल वॉल, देयर स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल्स। एनसीईआरटी ये लिखना चाहता है, कभी कभी एनसीईआरटी थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे आप लोग समझाने के लिए। तो स्लाइम मोड्स में आगे बढ़ते हैं। स्लाइम मोड्स में क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, सॉरी फेवरेबल कंडीशन पर डिस्कस करते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन में काफी ज्यादा तरह से डिवाइड करेगा, मान लिया एक था तो वो डिवाइड करके काफी सारे ऑर्गेनिज्म और बना दिया, ठीक है, और बना लिया वो, लेकिन किसी के पास सेल वॉल है नहीं, तो ये लोग जो होता है ना, ये लोग एक तरह का मास बना लेते हैं, कैसे कहते हैं आप लोग, कि जेली लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं, और ये धीरे धीरे फैलते चले जाते हैं, ठीक है, ये फैलते चले जाते हैं, ये धीरे धीरे यहाँ पे एक और सेल बनेगा, ये फैल जाएगा, ठीक है, एक और सेल बनेगा, ये फैल जाएगा, फिर यहाँ पे एक और सेल बनेगा, ये और फैल जाएगा, इस ढंग से ये बढ़ते चले जाते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोआ वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, इस स्ट्रक्चर को कहा गया है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम तब फॉर्म करता है जब ये लोग हो जाते हैं क्या, फेवरेबल कंडीशन में, और इसे हम लोग एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है, और ये होता है थैलॉइड मल्टी न्यूक्लियेट बॉडी, इसे कहते हैं हम लोग थैलॉइड मल्टी न्यूक्लियेट बॉडी, थैलॉइड, क्योंकि इसमें थैलॉइड क्यों, थैलॉइड ऐसे स्ट्रक्चर कहते हैं जहां पे ऑर्गेनिज और जो ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन ना दिखता हो, ठीक है, थैलॉइड मल्टी न्यूक्लियेटेड, मल्टी न्यूक्लियेटेड बॉडी का रूप ले लेते हैं ये लोग, ठीक है। इसके बाद है हम लोग जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है ना, तो यही प्लाज्मोडियम जो है ना अपने को डिफरेंशिएट करता है, और डिफरेंशिएट करके एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोर रेंजिया टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें काफी सारे ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और स्पोर प्रोड्यूस, यहाँ जो स्पोर्स होते हैं इनके पास जो होता है, इनके पास ट्रू वॉल्स होता है, तो स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। ठीक है, इनके स्पोर्ट्स का ट्रू वॉल्स होता है, और ये थैलॉइड, और ये जो स्पोर्ट्स यहाँ प्रोड्यूस करता है, ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है, और स्पोर का ट्रू वॉल इसलिए होता है ताकि उस अनफेवरेबल कंडीशन को वो लोग कैरी ऑन कर सके, उस अनफेवरेबल कंडीशन को वो लोग झेल सके, ठीक है। और ये अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में पाए जाते हैं, इनका स्पोर जो होता है ना काफी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है, और सर्वाइव कर पाता है बहुत सालों तक, कई कई सालों तक इनका जो स्पोर है वो सर्वाइव कर पाता है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए इनका दो एग्जांपल है, एक ए सेलुलर एग्जांपल है, एक सेलुलर एग्जांपल है, मैं दोनों बता रहा हूं, एनसीईआरटी कोई एग्जांपल ही नहीं दिया इसका, लेकिन याद रखना है ए सेलुलर एग्जांपल कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें एक्चुअली कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है सेलुलर सेल का, वो पूरा एक मास होता है, सारे न्यूक्लियस उसमें अलग 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 जगह होते हैं, और जो मैंने प्लाज्मोडियम बताया ना, प्लाज्मोडियम बिल्कुल वैसा ही मास ऑफ साइटोप्लाज्म है, जिसमें कई सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है, तो एक ही बॉडी है जिसमें मल्टी न्यूक्लियट है, इसलिए मैंने उसे थैलॉइड मल्टी न्यूक्लियेटेड बॉडी का, एक्चुअली उसमें कोई अलग अलग सेल नहीं था, वो जो काले काले थे ना जिसमें डॉट 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 बनाए थे, ये सब एक्चुअली न्यूक्लियस थे, और न्यूक्लियस ही एक कई सारे मास से घिरा हुआ होता है, तो एक मल्टी न्यूक्लियेट बॉडी बनता है, और एक पूरा बॉडी होता है, ओके, और उसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, और इसे हम लोग ए सेलुलर कहते हैं इसी कारण से, क्योंकि उसमें हम लोग कोई सेल अलग अलग पार्टीशन नहीं देता, काफी सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं खाली। तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का जो एग्जांपल है, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का जो एग्जांपल है, वो हमें क्या मिलता है, फाइजेरियम, ठीक है, फाइजेरियम, ठीक है, फाइजेरियम ये हम लोग मिलता है, और दूसरा हमें जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल मिलता है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल मिलता है, वो कुछ यूं मिलता है कि वो होता है हमारे पास ठीक है, ये होता है डिक्टियोस्टेलियम, या फिर डिक्टियोस्टेलिलम भी बहुत लोग कहते हैं इसे, ठीक है, ये जैसे आप लोग देख सकते हैं इसको, और बहुत लोग इसको LIUM भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी साइंटिफिक नेम में कंफ्यूजन होते हैं, ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन आपको नाम याद रखना है कि ओवरऑल नेम क्या है ए सेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के, ओके। तो इस तरह से हमारा ये भी खत्म हुआ, और हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं, हम लोग इसमें अमीबा को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे अमीबा को ज्यादा बताना है, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि अमीबा को सॉल्ट वाटर में रखा, फ्रेश वाटर में रखा, साइज घटेगा बढ़ेगा, कॉडोटाइप एक्यूल्स आते हैं, फिर हमारे पास प्रोटोजोआ में काफी सारे और ग्रुप है फ्लैजेलेटेड है, उसमें डिजीजेस होते हैं, हम लोग सब कुछ को जानना है, और मैं कह चुका हूं कि ये जो बायोलॉजी बूस्ट है वो आपका मॉकअप ड्रिल है, जिसमें आपको बहुत तेजी से बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन कुछ भी छोड़ा भी नहीं जाएगा, एंड दिस इज वाई दिस इज ऑल। तो होप सो आप लोग अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड कीप वॉचिंग, एंड मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन दबा लीजिए, और मैं बता चुका हूं तो उस पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड
स्टडी वेल एंड वर्क हार्ड. बाय बाय.